हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वॉयजर रेडी। अगर आपने पिछले व्लॉग नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पे हम मालसेज घाट, जो पुणे से 120 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत झरने, पहाड़, पूरा फॉग से घिरा हुआ रास्ते यहाँ पे हमने देखा। तो यहाँ से हम निकल के अब नाने घाट जा रहे हैं। अगर आपने ये ब्लॉग नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए। तो हम मालसेज घाट से अब रिटर्न जा रहे हैं। क्यों रिटर्न जा रहे हैं? क्योंकि हमें नाने घाट जाने के लिए 30 किलोमीटर वापस अंदर के रोड से जाने का डिसाइड किया। यहाँ पे दो रोड है, एक जुन्नर होके आता है जो नीचे की तरफ है, और अंदर ही अंदर एक दूसरा रोड है जो हमने लेने का सोचा। अभी हम मालसेज घाट से नाने घाट की तरफ जा रहे हैं अंदर के रोड से। दोस्तों, नाने घाट एक माउंटेन पास है जो पहले जो कोकण रीजन था, वहाँ से ये जो हिल रीजन है जो पुणे की तरफ है, यहाँ पे आने के लिए ये एक सिल्क रूट बिजनेस वालों के लिए हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटी सी गली जो हमें पता भी नहीं चल रहा था, मार्केट के बीच में से यहाँ से शुरू होता है नाने घाट जाने का रास्ता, अगर आप अंदर का रोड लेते हो तो। दूसरा जो रोड है वो पूरा जुन्नर घूम के जाता है, जो एक्चुअली मेन रोड है, बट ये वाला जो है ये थोड़ा गांव का रास्ता है। हमें तो वैसे भी गांव के रास्तों के ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों, यहाँ का जो रास्ते है, यहाँ पे आप बिल्कुल भी इसे लाइटली मत लीजिए। यहाँ का रास्ते बहुत ज़्यादा स्टीफ है, इंक्लाइंड जो एंगल है, शायद कैमरा में पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी स्टीफ है। और मेन दिक्कत है कि यहाँ पे बहुत नैरो रोड है, अगर सामने से टर्न पे गाड़ी आ जाती है तो अचानक रुकना पड़ता है और एक गाड़ी को रास्ते से उतरना पड़ता है। यहाँ पे नज़ारे बहुत अच्छे हैं लेकिन रिस्क भी उतना है। बीच में जंगल है और छोटे छोटे गांव भी आते जा रहे, तो यहाँ पे खेती वगैरह, धान का खेत वगैरह दिखता है जो बहुत ही खूबसूरत है। और पीछे की पहाड़ी जो हम मालसेज को देख के आए थे, उस वही चीज़ पीछे कंटिन्यू होता रहता है। 50 रुपीज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चार्जेस, तुम चाहे 15 रुपये। और हम आके पहुँचे चेक पॉइंट पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। यहाँ पे एंट्री के लिए 50 रुपये है और शाम को 6 बजे के बाद अगर आप आते हैं तो आपको गाइड लेना पड़ता है, ऐसा वो बोलते हैं। अब हमें नहीं पता, हमें 6 नहीं बजे थे, अब तो हम जा सकते हैं, तो हमने गाइड नहीं लिया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है फ्री पार्किंग, ये सुविधा मिल जाएगी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे पूरा कोहरा छाया हुआ है, हमने ज़्यादा अंदर नहीं लगाया गाड़ी क्योंकि रात अंधेरे होते ही हमारी काली गाड़ी खो जाता है, दिखता नहीं है। देख रहे हो हालत फॉग में। यहाँ पे ये फ्री पार्किंग है तो हमने यहाँ पे अपना गाड़ी लगाया है। एक्चुअली है बहुत कुछ, यहाँ से फोर्ट भी है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या होता है कि मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। जब भी आप एंट्री कर रहे हो उस टाइम पे आपको एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फीस, शुल्क जिसको बोलते हैं, वो देना पड़ता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब आप फीस दे रहे हो तो आप इस जगह पे, पहले ये गवर्नमेंट का पार्किंग है तो ये फ्री पार्किंग आपको यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ से आप आगे चले जाते हो तो
तो फिर वहाँ पे आपको फिर से 50 रुपीज़ वापस से देना पड़ेगा पार्किंग के लिए, क्योंकि वो प्राइवेट पार्किंग है, ये गवर्नमेंट पार्किंग है, ये फ्री है। और हम लोगों ने ऑलरेडी अपना पेमेंट किया है वहाँ पे, वो भी 50 रुपीज़ ही था। और ये तामझाम इसलिए क्योंकि आप देख ही रहे हो फॉग और बारिश सब लगा हुआ है, देखते कितना दिखेगा नाने घाट में अभी। यहाँ का आप अभी कंडीशन देखो, कैमरा में तो फिर भी दिख रहा है, एक्चुअल में तो दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे आपको खाने पीने का भी स्टॉल्स वगैरह सब मिल जाएगा। हवा के वजह से थोड़ा सा भाई मैनेज कर लेना, बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ का, आप देखोगे तो बहुत जोर से वो आ रहा है, मतलब चल के जाना भी बहुत मुश्किल। दोस्तों यही जो दो पहाड़ों के बीच में से आपको गैप दिख रहा है, यही वो रूट है जिसे सिल्क रूट की तरह यूज़ किया जाता था सातवाहना डायनेस्टी की टाइम पे। यहाँ पे बहुत संभल के आना बारिश के दिनों में, क्योंकि पत्थरों पे इतना फिसलन हो गई है, तो पूरा ही बैलेंस और जजमेंट पहले डिसाइड करो कौन से पत्थर में पैर रखोगे, फिर उस हिसाब से जैसे ये वाले है उससे अच्छा है स्टेप बाई स्टेप वाले पत्थर ज़्यादा बेटर रहते हैं। कभी भी ये अगर आप नज़दीक से देखोगे यहाँ पे आपको कर्वेचर दिखेगा पत्थर का, तो ये स्लिपरी हो जाता है। तो ऐसे ग्रिप पहले पकड़ लो फिर अपना बॉडी वेट डालो, पहले बॉडी वेट मत डालना, जब ग्रिप बैठ जाए पैर का तो ही हो पाएगा। इसी रास्ते से जो कोकण यानी समंदर तट का जो महाराष्ट्र है, वहाँ से जब बिजनेसमैन आते थे जुन्नर सिटी के लिए या जो डेकन एरिया है प्लेट्यूज पुणे की तरफ, इस एरिया को एंटर करने के लिए इसी रास्ते के थ्रू से आते थे और यहाँ उनसे टैक्स लिया जाता था। दोस्तों रास्ता अभी भी बहुत ही रॉ है, यहाँ पे कुछ बनाया नहीं गया उस तरीके से, तो ये जो पत्थरों के बीच में से उतरना है, यहाँ पे अगर कोई सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग है या छोटे बच्चे के साथ उतरना थोड़ा भारी हो सकता है। यहाँ पे आप देखो तो पानी के स्टोरेज का भी सुविधा बनाया गया था पहले के टाइम का ट्रैवलर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए। यहाँ पे आप देखोगे गुफा भी है जहाँ पे लोग स्टे कर सकते थे उस टाइम पे, तो ये रहने और पानी पीने का यहाँ पे जो सुविधा थी ये सब बनाया गया है। अगर आप गुफा के अंदर जाते हो तो आपको वहाँ पे संस्कृत जैसा एक दूसरे भाषा में भी बहुत सारी लिपियाँ लिखी गई है, आप थोड़ा सा गूगल करके इसके बारे में और भी डिटेल्स में देख सकते हो। फिलहाल हम तो इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों पहले ये जो स्तूपा जैसा कुछ दिख रहा है ये हमें कन्फ्यूज किया था कि है क्या चीज़, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से भी इसको हिस्टोरिकल साइट डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों ये जो पॉट के जैसा एक स्ट्रक्चर है ये पानी के लिए नहीं, यहाँ पे कॉइन डालने के लिए यूज़ किया जाता था, पहले के बिजनेसमैन यहाँ पे टैक्स डालते थे सोने के मुद्रा। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और ये धुंध से घिरा हुआ पहाड़ का हम मज़ा ले रहे हैं। सो कैसा लगा आप लोगों को, यहाँ पे आइए, बहुत खूबसूरत है। और ये मेरा फर्स्ट कार वाला ब्लॉग है, तो अगर आप लोगों को पसंद आया थोड़ा भी तो लाइक कीजिएगा। यहाँ पे आज इतना कोहरा हुआ कि रिवर्स वाटरफॉल नहीं दिखा पाए, नेक्स्ट टाइम कभी, कुछ बाकी रहना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए। चलिए चलते हैं फिर, लाइक कर देना, बाय। ये रोमांच से भरा हुआ सफ़र अभी ये ख़त्म होने का बारी आ गया है। हम धुंध के बीच में से अपनी गाड़ी निकाल के वापस पुणे की तरफ बढ़ने लगे। धुंध इतना था कि गाड़ी की हेडलाइट से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर आपको लग रहा है कि आप ये देख पा रहे हो तो ये कैमरा के वजह से है। हम रात
में जंगल के बीच में से होते हुए अपनी घर पुणे सिटी पहुंच गए। बने रहिए, अगली ब्लॉग जल्दी आ रहा है।